पुरकुल मसूरी रोपवे के अंतर्गत शिफन कोर्ट से 84 परिवारों को बेघर कर दिया गया था और 15 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें आवास मुहैया नहीं कराया गया है, जिसको लेकर आज नगर पालिका परिषद मसूरी के प्रांगण में शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। तो वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उन्हें आवास मुहैया नहीं कराया जाता तब तक वह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस पर नगर पालिका सभासद गीता कुमारी ने कहा कि शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों को लेकर केवल राजनीति की जा रही है और आज भी कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो धरना हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो है जितने भी नेता लोग हैं इन्होंने हमको जो है कोलू का बैल बना दिया है। हम घूमते जा रहे हैं, अभी तक 15 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक हमारे साथ कोई भी इन्होंने जो है ठोस फैसला हमारे उसमें नहीं दिया। इन्होंने कभी कहा हमें तुम्हें बिल्डिंग बना के देते हैं, कभी कहा इन्होंने कि नहीं हम तुम्हें फलानी जगह आइडियाज में बोला, इन्होंने आइडियाज में बना के देते हैं। पर सर 15 महीने हो चुके हैं, इन्होंने कहीं भी हमें कहीं विस्थापित नहीं किया। आज भी हमारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हर जगह में मुसीबत का सामना कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ना हमारे जो सरकार है स्थानीय सरकार, हम नगर पालिका को बोलेंगे, ये भी हमारे साथ नहीं दे रही है, राज्य सरकार हमारे साथ नहीं दे रही है। हम मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, उन्होंने भी वहाँ से लेटर दे दिया है, मगर अभी तक कोई कार्य हुआ ही नहीं, ना हमें कोई वो सूचना मिली है। तो हम अब यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इस मांग को लेकर बैठे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। नगर पालिका का कहना है कि उन्होंने काफी लोगों को विस्थापित कर दिया, गिनती के परिवार रह गए हैं, किसी को आईडी उसमें कर दिया है, किसी को टीकने के बाद उसमें कर दिया है, अब मात्र जो है कुछ ही परिवार बचे हैं कि जिन्होंने विस्थापित कर दिया। सर मैं यही नगर पालिका से मांग करता हूँ कि उन्होंने कितने लोग हमारे समाजित किए हैं। मैं आपको अगर सच्चाई बताऊँ तो 14 परिवार हमारे जो है आईडीएच में है और 7 परिवार हमारे जो है नीचे किंगरेट में है, 2 परिवार बालूगंज में है और 2 परिवार जो है जहाँ की लोगों के कुत्ते और जानवर रहते हैं वहाँ हमारे 2 परिवार वहाँ है। आज भी अगर 84 में से अगर 30 लोगों को इन्होंने समाजित किया है तो और लोग जाएंगे कहाँ। आज भी लोग जो है किराए दे के थक गए, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग कहाँ से 6,000 7,000 8,000 10,000 किराए देंगे। बहुत सारे लोग हमारे मर भी गए हैं क्योंकि उन्हें ये टेंशन के माने जो डिप्रेशन में चले गए बहुत सारे लोग हमारे। देखिए जैसे कि आप सब पूरा मसूरी पूरा प्रदेश और पूरा मैं समझता हूँ पूरा विश्व जानता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो बहुत गरीब दलित और मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, उन पे सरकार ने ताकत दिखाई, उन पे मसूरी नगर पालिका ने ताकत दिखाई और उनको 500 लोगों को बच्चों समेत जो है शिफन कोर्ट से उखाड़ करके और सड़क पर फेंक दिया। आज 1.25 साल से ऊपर समय हो चुका है और यहाँ के माननीय विधायक जी ने और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी ने एक आश्वासन दिया था कि 15 दिन में हम इनके रहने की अस्थायी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आज 1.25 साल बाद भी वो लोग कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं और बार बार झूठे आश्वासन दे रहे हैं कि हम इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब ये अंत हो चुका है इनके आश्वासनों का और इनके विश्वास का। ये आज यहाँ पर 19 नवम्बर से ये आज भी छुट्टी का दिन भी है, आज से ये धरना शुरू हो चुका है क्योंकि मजदूर इतने परेशान है, उन्हें क्या पता क्या छुट्टी है क्या त्यौहार है। तो यहाँ बैठ चुके हैं और निश्चित तौर पर यहाँ से जीत होगी और हम लोग जो इन्होंने इनको घर से निकाला है, नगर पालिका मसूरी को और सरकार को, इनको आवास देने पड़ेंगे, ये अपने घरों में जाएंगे तब यहाँ से हमारा ये जो धरना है समाप्त होगा। जी नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं कि उन्होंने भूमि जो है चिन्हित करके शासन को भेज दिया, प्रस्ताव पारित करके भेज दिया है, अब जो है गेम जो है केंद्रीय विधायक उनके पाले में है। देखिए नगर पालिका से हम आज तक ये मांगते रहे हैं कि जो प्रस्ताव पास किया, जो कागज इनके नाम हो गया है शासन से, वो कागज हमें दिखाओ। आज तक कोई कागज नहीं दिखा पाए, इसका मतलब पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं पालिका ने जगह दे दी है। और अगर वो जगह दे दी है तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप बनाइए मत, शासन को मत दीजिए परेड बनाने के लिए, आप इनके नाम पट्टे कर दीजिए 10 लोगों के नाम। तो ये बिल्कुल झूठ बात है और कोई जमीन नगर पालिका ने नहीं किया, हमें गुमराह किया गया और झूठ बोला गया। ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये जब तक पट्टे नहीं मिलते हैं, आवास नहीं मिलते हैं, तब तक अनिश्चितकालीन रहेगा, चाहे यहाँ पर सरकार बदले नहीं सरकार आई, लगातार जारी रहेगा। देखिए मैं मीडिया के माध्यम से एक पालिका को एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये गरीब लोग हैं, आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग अपना किराया भरेंगे या फिर बच्चों की फीस देंगे? एक तो कोविड ने इनकी कमर तोड़ रखी है, लॉकडाउन चला, अब इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, ये सक्षम नहीं है कोर्ट कचहरी जाने के लिए। मेरी जानकारी के अनुसार शासन ने उस जो अनुबंध तय हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसे ऑटोमेटिकली रिन्यू कर दिया बिना पालिका से पूछे। तो पालिका बात बात पे कोर्ट पहुंच जाती है, पूरा शहर त्रस्त है, तो आज गरीब मजदूर लोगों के लिए पालिका कोर्ट क्यों नहीं जा रही है?
ये लोग सक्षम नहीं है। अगर हम चुन के आए हैं तो हम आम जनता के लिए चुन के आए हैं, और मैं जनता को भी आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगी, आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी होगी, जनता को जागना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आइए सब खड़े हुए इन मजदूर लोगों के साथ, क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर इन्हें अतिक्रमण के नाम पे उजाड़ा गया तो ऐसे तो 75% मजदूरी, हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि, मैं तो खुल के बोलूंगी, हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी ऐसे हैं, चाहे वो पूर्व है चाहे वो वर्तमान है, जिन्होंने बायलों से हटके बहुत सारी चीजें कर रखी है, उन पे कोई कार्यवाही क्यों नहीं? गरीब जनता को ही तरस क्यों किया जाता है? आम जनता को ही क्यों परेशान किया जाता है? चाहे वो हमारे व्यापारी भाई हो चाहे हमारे मजदूर भाई हो, आज हर एक व्यक्ति परेशान है। और मैं आपके माध्यम से जगाना चाहूंगी हमारे जनप्रतिनिधियों को कि यही समय है वोट की राजनीति ना करें, इनको झूठे सपने ना दिखाएं और आके आगे आके इनके हक की लड़ाई लड़ें। आपका कहने का मतलब ये है कि पालिका ने इस मामले को लेकर कोर्ट में जाए? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि पालिका इस चीज को लेकर कोर्ट में जाए। अगर इसका एक डिसाइड हुआ था कि इसका एक टेन्योर था कि इतने वर्ष के अंदर जो भी हमारा रोपवे का प्रोजेक्ट था उसको उतने पीरियड के अंदर खत्म करना था, उस पीरियड के अंदर वो शुरू ही नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली वो रिन्यू हो गया बिना पालिका की पावर के। पालिका सोई क्यों पड़ी है? पालिका अपनी पावर क्यों यूज कर रही है? और अगर पालिका के जनप्रतिनिधि अपनी पावर को यूज करना नहीं चाहते, मैं तो कहूंगी इस्तीफा दे दें वो अपने पद से।